नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। विश्व आदिवासी दिवस और युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर इंदौर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर युवा कांग्रेस के यूएन कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के समक्ष सामाजिक हितों की रक्षा को लेकर संगत समारोह भी आयोजित किया। विश्व आदिवासी दिवस और युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस अलग अलग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में युवा कांग्रेस ने इस तरह कई कार्यक्रम आयोजित किए। इंदौर में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के समक्ष संकल्प समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक हितों की रक्षा से जुड़े 19 बिंदुओं का पत्र तैयार किया और इस पत्र के आधार पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि सामाजिक हितों की रक्षा के लिए वो हमेशा दृढ़ संकल्पित रहेंगे। संकल्प समारोह के दौरान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज विश्व आदिवासी दिवस और युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने संकल्प लिया है 19 बिंदुओं का, जिसमें समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर युवा कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी इन बिंदुओं पर कभी भी कुछ भी होगा तो हम समाज और सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मैं युवक कांग्रेस के सभी इंदौर शहर के साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमने महात्मा गांधी रिकल चुराए गए संकल्प लिया है और जिस संकल्प को हम हमेशा पूरा करेंगे। अंकित दुबे, विधानसभा 5 अध्यक्ष, युवक कांग्रेस। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।